अच्छा, अब हमें चूंकि प्रोग्राम ख़त्म करना है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। जो आपके साथ हमारे नौजवान हैं यहाँ पर, वेयर डू यू सी योर कंट्री नेक्स्ट 20 ईयर्स, 25-30 ईयर्स, व्हेन यू वुड बी एन ओल्ड मैन एंड यू वुड हैव योर जनरेशन कमिंग अप? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग बड़ी चीज़ का ड्रीम करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, बाहर से कुछ लोग आके करेंगे। स्मॉलर स्केल पे, कम्युनिटी लेवल से हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और आजकल एक आप देख रहे होंगे, एक लोकल कंपनी बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन, वो भी इसी तरह की एक चीज़ है। बड़े अच्छे उनके हेड्स चल रहे हैं, हमें डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। फहद, आप अपनी नई आने वाली जनरेशन को रेजोल्यूशन के बारे में हाउ वुड यू टीच देम, व्हाट वुड यू टेल देम? प्रॉबेबली यंग जनरेशन को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक स्ट्रगल का नतीजा है और हमने स्ट्रगल की फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, और वो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुश्किल हो जाता थर्ड हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे अभी तक बड़े तो हमें बताते हैं उन्होंने क्या देखा है, हमने देखा नहीं है, थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ऑफकोर्स ये हमारे परदादा ने ऐसे किया था, दे वुड हार्डली बाय। ऑफकोर्स ये मुश्किल होता है, लेकिन नेशंस के अंदर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो कोई भी नेशन अगर अपनी हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप अपना जो वर्षा है और लेगेसी है उसे आप साइड पे हो जाते हैं, और जब लेगेसी से आप हट जाते हैं तो डायरेक्शन जो है आप खो बैठते हैं। प्रॉबेबली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ही यही है। हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर लें, हम लीडरशिप क्राइसिस की बात कर लें, हम इकोनॉमिक्स की बात कर लें, कोई भी बात कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट वी हैव गॉटन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट वाज गिवन टू अस बाय आवर फाउंडिंग फादर्स। हमें उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा और फिर हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। आप शफकत 20-25 साल बाद कहां देखते हैं? होपफुल तो है, ऑफकोर्स आप लोग इब्राहिम साहब के साथ काम करें, यू गाइज आर वेरी होपफुल, लेकिन सीरियस नोट एंड फाइनल नोट। तस्लीम की रात अंधेरी है, अलाम की गुम्मन गहरी है, और तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, मेरा दिल गम से रंजूर बहुत, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहां, ऐ काबे दिल ऐ माबते जा, मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन लहरों पर, इन नहरों पर, आसेब की जर्दी छाए क्यों, और तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना नींद देंगे कभी इस खाक की खुशहाली पर, इस खाक की खुशहाली पर, और इंशाल्लाह हमेशा ऐसे होगा। I cannot expect a better message, और बहुत खूब फाइनल। इब्राहिम साहब कहते हैं ना, एक बंदे तक भी मैसेज आए तो आपका ईमान और आपने जो जिहाद है मुकम्मल हो जाता है किसी भी मामले में। आप सब ने किया है और कर रहे हैं। रेजोल्यूशन के ऊपर 23 मार्च का ये स्पेशल शो है। लोगों को हमने याद तो करवा दिया कि आज के दिन क्या हुआ था, करारदाद बनी थी। मेरे पास लोग देखते हैं, बड़े सारे बच्चे माँ बाप को पूछते होंगे कि पापा ये क्या है, ये कब बना, क्या है, तो शायद वो भी कहते होंगे यार मतलब बस बन गया, डिटेल्स नहीं बताते होंगे। बड़ों को आप मैसेज करते हैं, यूथ आपके साथ है, जो हमारे बड़े जो शायद इस जनरेशन के नहीं है, इससे कुछ ऊपर निकल के शायद वो जो जनरेशन खत्म हो रही है, जा रही है, उसमें भी नहीं फॉल करते, हमें भी फॉल नहीं करते, समवेयर इन बिटवीन, जिनका अभी भी इंपैक्ट बच्चों पे है, जिनके मैसेज आगे कन्वे हो सकता है, व्हाट वुड यू टेल देम, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मायूसी सबसे ज्यादा वो फिला रहे हैं। देखिए जी, बात यह कि उनको यही मेरा पैगाम है कि एक बूढ़ा शख्स एक बार दरख्त लगा रहा था और किसी ने कहा, बाबा जी आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप इसकी छांव में नहीं बैठ सकते। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा इसकी छांव में बैठेगा। उनको मैं ये कहूँगा, आपने या आपके बड़ों में नहीं अगर नहीं लगाया, या आपको अपनी जवानी में अगर ख्याल नहीं आया, तो अब लगा लें अगर आपके हाथ में वो बीज है, ताकि आने वाली नस्लें कम से कम आपको दुआएं जरूर दें और आप आखिरत अपनी बना जाएं। नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं, कुछ बातें तमहीद में गईं, कुछ बातें टू द पॉइंट हुई, कुछ बातें प्रीटी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन हमें इन चीज़ों की जरूरत भी, हमने बच्चों को सिखाना है कि बच्चों जो दिल में है आप कह दो, ऐसे ही होगा तो हमें पता चलेगा उसको क्या आता है क्या नहीं आता, हमें उसे क्या बताने की ज़रूरत है और क्या उसको हम बता चुके हैं। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो मुझे रहता था, मुझे याद है कि वहाँ पे एक बोर्ड था बड़ा खूबसूरत, एक हेलीकॉप्टर है, सुबह सवेरे का वक्त है, डॉन का वक्त है, और कुछ फौजी जवान उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे हैं, जाहिर है जा रहे हैं जंग के लिए, और उस पर खूबसूरत चीज़ लिखी थी कि एंड इफ़ यू डू नॉट कम बैक टेल देम दैट वी हैव सेक्रीफाइस टुडे फॉर देयर टुमारो। बाबा जी वाली बात कि दरख्त की छांव में मैं नहीं बैठूंगा, मेरे बच्चे बैठेंगे। आज आप बच्चे हैं, कल आपने जवान होना। खुदा इस मुल्क को कायम और दायम रखे, लेकिन तभी रहेगा कि जब हम इसके लिए काम करेंगे। जिन लोगों को खुदा ने जेब भर के पैसा दिया होता है, आराम आसाइश दी होती है ना, उन लोगों को कभी तरक्की वो नहीं करते, उन्हें तरक्की करने की शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती, ऐसे मुमारक हमारे सामने हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और काम करने के लिए, अल्टीमेट तरक्की हासिल करने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अल्लाह इसे कायम और दायम रखे, हमें खुशहाल करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें जागते रहने की ज़रूरत है, हमें वाकई ज़रूरत है।